हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों कैसे हो सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई जो है, स्टडी जो है वो आगे बढ़ रही होगी। और आपकी स्टडी के अंदर देखो दोस्तों, हम आपके साथ हैं, अनअकैडमी पूरा अनअकैडमी परिवार जो है आपके साथ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो आप तक पहुंचा जाए और आपको एक अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाए, चाहे वो हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो और चाहे वो आप प्लस से आपका जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल है उससे हो। दोस्तों दोनों से हमारा बेस्ट कोशिश है कि आप तक बेस्ट कॉन्टेंट आपको अच्छे टाइम पे और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या कराई जा सके, अवेलेबल कराई जा सके। ठीक है दोस्तों, आज का जो मॉर्निंग करंट अफेयर सीरीज है इसमें मैं क्या क्या चीजें आपके लिए लेके आया हूं, तो जल्दी से फटाफट देखते हैं। सभी एक बार फटाफट लाइव आ जाइए। दीप, नीरू, पूजा, राजा, कविता, अली सिद्ध की, आकृति, उसके बाद निवेदिता, आर के क्लास, खुशबू, मीनाक्षी, हिरांजन, राजा, पूजा, लवप्रीत कौर, राज, पीयूष, नेहा, आप सभी का स्वागत करता हूं यार मैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल। आप आ गए हो, बहुत अच्छा लगा है। और एक बार जल्दी से एक छोटी सी जिम्मेदारी और है, आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते और एक अच्छे मेंबर, फैमिली मेंबर होने के नाते एक जिम्मेदारी आपको और पूरी करनी है और वो जिम्मेदारी क्या आप लोग जानते हो? फटाफट से सेशन को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो जहां तक आप कर सकते हो, जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर सकते हो तो वहां पर इसको क्या कर दो, शेयर कर दो। चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट स्टार्ट द क्लास। आज 13 तारीख का मैं करंट अफेयर आपको कराने वाला हूं, यूपीएससी सीएससी कि तैयारी जो हम करते हैं यूपीएससी। देखो यूपीएससी के अंदर 60% जो एग्जाम में आता है ना, चाहे वो दोस्तों प्री में आता हो, चाहे वो मेंस में आता हो और चाहे वो पूछा जाता हो इंटरव्यू के अंदर, 60% जो होता है वो किसका होता है आपका दोस्तों, 60% जो है ना इट बिलोंग्स फ्रॉम द करंट अफेयर। एंड दैट्स वाई दिस मॉर्निंग शो इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है और हैवी, आप लोग जानते भी हो दोस्तों। और अब आप सोच रहे हो सर सुमित 10 क्या है? दोस्तों सुमित 10 मेरा कोड है ना, सुमित ये स्पेस नहीं देना आपको, सुमित 10 इस कोड को आप यूज कर सकते हो टू गेट द अकेडमी सब्सक्रिप्शन। आपको अकेडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यूपीएससी एच प्रोग्राम हमारा चल रहा है, क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज। जल्दी ही हम आने वाले हैं कोर प्रोग्राम के साथ में। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 2021 की, जो पेपर देना चाहते हैं 2021 में, उनके लिए एक बेसिक प्रोग्राम जो है, बेस प्रोग्राम, मैं बहुत जल्दी उस प्रोग्राम के साथ में आपके आपके बीच में आने वाला हूं 2021 के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरा फुल फ्लेश, जैसे हमने यूपीएससी एज प्रोग्राम लेके आए थे, ऐसे एक बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं 2021 की तैयारी के लिए। बहुत जल्दी दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी चीजें आपके लिए हम यहां पर करने वाले हैं। इसके बाद मैं बात कर दूं दोस्तों, यहां पर जैसे ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हमारा सेम इससे अच्छा जो यहां पर देखो बेस बनता है, यहां पर हम करते हैं क्या दोस्तों, आपकी अनअकैडमी पर इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर उस पर इमारत खड़ी करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स यहाँ मेरा चल रहा था दोस्तों, इकोलॉजी का कोर्स यहाँ पर है, जिन बच्चों के पास था यार जल्दी से जाके ना उसके अंदर एनरोल कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। जो जो बच्चे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर हैं मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, मेरे कोड से जुड़े हैं, आप कोड यूज कर सकते हो क्या दोस्तों, सुमित 10। सुमित 10 कोड यूज करने का फायदा आपको मैं बता देता हूं दोस्तों क्या होगा। सुमित 10 का फायदा ये होगा, डिस्काउंट तो आपको मिल जाएगा अदर कोड यूज करने से मिलेगा, बट दिस सुमित 10 विल गिव यू द एक्सक्लूसिव पर्सनल गाइडेंस, है ना। आपकी पूरी तैयारी में मैं आपके साथ रहने वाला हूं दोस्तों, ट्रस्ट मी 110% 24/7 में आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। एनी टाइम जो भी गाइडेंस आपको चाहिए आई विल गिव यू दैट गाइडेंस। तो अगर आप चाहते हैं मेरे से गाइडेंस ले, अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं, तो गाइस यू हैव टू यूज दिस कोड सो इट विल बी इजी फॉर मी टू गाइड यू, आपके गाइड करना मेरे को क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पहली न्यूज की, दिस इज नोन एज द अनाक क्राकाटोवा। क्राकाटोवा सुना है आपने, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या याद करो, जब हमने वोल्केनो पढ़ाया था, तो बेसिकली वोल्केनो होता क्या है, देखो अर्थ के अंदर अगर मैं बात करूं, पृथ्वी के अंदर आपका बेसिकली If we talk about the earth, there are the 3 different layers. पहली लेयर होती है क्रस्ट, दूसरी कौन सी होती है दोस्तों मेंटल, और तीसरी क्या होती है कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं, हिंदी में क्रस्ट को बोलते हैं भू चटपटी, मेंटल को क्या बोलते हैं आवारा, और कोर को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं नाभिक, आवरण, भूपर्पटी, और क्या होगा आपका नाभिक। अब मैंने क्या बताया, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं डेप्थ बढ़ती है, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के मतलब गहराइयों में जाओगे तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान के साथ साथ क्या बढ़ता है अंदर जाते हो प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसीलिए पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है ये तो मिलता है आपको सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद मेंटल जो मिलता है ये कैसा होता है दोस्तों सेमी सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद कोर जो है ये कैसी फॉर्म में मिलता है लिक्विड। सो दिस लिक्विड फॉर्म ऑफ द अर्थ इसको ही हम क्या कहते हैं लावा,
और नाम दे दिया जाता है क्या, मैग्मा। लावा कब कहते हैं पता है, जब सतह से तोड़ के वो बाहर आ गया। भाई पृथ्वी की सतह है, ये सरफेस है, इसको तोड़ के अगर लावा बाहर आता है ना, सो ये जो लिक्विड मटेरियल इसको बाहर आ जाता है, तो बाहर आने पे बोलते हैं लावा, आउटसाइड द सरफेस। लेकिन जब ये इनसाइड रहे, अंदर रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा इनसाइड द सरफेस, दिस इज नोन एज द मैग्मा। तो लावा और मैग्मा के बाहर आने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आपका वोल्केनिक इरप्शन। देखो होता क्या है, क्रस्ट है हमारे यहाँ, नीचे आपके पास ये क्या है, सो दिस इज नोन एज, ये जो है अपने पास जो नीचे इसमें स्टोर्ड है आपका, दिस इज लावा, है ना, ये नीचे स्टोर्ड है इसके अंदर। अब होता क्या है ना, ऐसा कोई भी आइटम पड़ा हो ना नीचे, कोई भी गर्म चीज होती है ना, तो उसके अंदर होते हैं क्या दोस्तों, कन्वेक्शन करंट। लाइक लावा नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, ऊपर आता है, और इस प्रोसेस में लगातार इस पर क्या लग रहा है, बल, ऊपर से ठंडा लावा नीचे जाता है, ठीक है, ये होता है कन्वेक्शन करंट। अब इस प्रोसेस में लगातार इस सर्फेस पर फोर्स लगता है, एक टाइम तक ऐसा आएगा इसको सहन करना, इससे बंद हो जाएगा एंड इट विल बर्स्ट, ये क्या होगा, टूटेगा, और यहां से क्या होगा दोस्तों, आपका लावा बाहर आएगा, ठीक है। ये लावा जो बाहर आता है ना, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रक्रिया इज नोन एज वोल्केनिक इरप्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार। अब इस वोल्केनिक इरप्शन को हम तीन तरीकों में बांटते हैं वोल्केनो को, आपको पता हो तो, पहला दोस्तों एक्टिव वोल्केनो, दूसरा सर जी डोरमेंट वोल्केनो, सक्रिय प्रसुप्त, और तीसरा क्या है दोस्तों, दिस इज नोन एज सर एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो टोटल कितने टाइप के वोल्केनो है हमारे पास, तीन। अब मैं अगर बात करता हूं तो क्राकाटोआ जो था, इसके साथ साथ तीन भाई और हैं इसके, एक है माउंट पिल्ली और एक और था जिसका नाम था आपका माउंट क्राकाटोआ, माउंट पिल्ली एंड वन मोर देर इज, मैं उसका नाम मेरे को याद नहीं रहा, हाँ विसुवियस, ठीक है। ये तीनों के तीनों ना ये क्या थे, दे आर नोन एज द डोरमेंट वोल्केनो, ये डोरमेंट वोल्केनो थे। अब हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूं सारा का सारा मुद्दा क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे डोरमेंट वोल्केनो थे, अभी फिलहाल के टाइम पे डोरमेंट है आपका, मतलब इरप्ट तो नहीं हो रहे प्रेजेंट में, बट हाँ भविष्य में कभी भी इनसे वोल्केनो आ सकता था। अब मैं बात कर रहा हूं क्राकाटोआ की, नॉट अनाक क्राकाटोआ। अनाक क्राकाटोआ क्या है, ये अनाक क्राकाटोआ का मतलब ही क्या होता है, क्राकाटोआ का बेटा, ठीक है, उसका छोटा बेटा है। तो इंडोनेशिया के अंदर अभी अभी आपका बहुत ही बड़ा एक एक्सप्लोजन देखने को मिला है जो 2018 के बाद में, क्योंकि ये वोल्केनो टोटली कोलैप्स हो चुका था अनाक क्राकाटोआ, और अब इसके अंदर बहुत बड़ा एक वोल्केनो हुआ है, इसकी वजह से जो राख है ना इस इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटोआ ने, वो 500 मीटर ऊपर फेंकी है आसमान के अंदर। तो ये एक नई न्यूज थी, लेटेस्ट न्यूज थी हमारे पास। मुद्दा क्या है मैं बता देता हूं दोस्तों, आपका अनाक क्राकाटोआ के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है आफ्टर 2018, ये पहली बार हुआ है। 2018 में इसका पूरा क्रेटर जो था वो खत्म हो गया था, एक अंडर वाटर कोलिजन हुआ, अंडर वाटर एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से पूरा क्राकाटोआ जो इसका क्रेटर था वो बैठ गया था। क्रेटर किसे कहते हैं, देखो जब भी ये वोल्केनो आता है ना, ठीक है, तो वोल्केनो आता है तो ये क्या होगा, इसमें से इस पाइप से वोल्केनो बाहर आता है ना, तो बाहर आता है, बाहर कैसे फैल जाता है, जिस पाइप से लावा बाहर निकलता है ना उसके मुंह को बोलते हैं हम क्या दोस्तों, दिस मुंह इज नोन एज क्रेटर, क्रेटर बोल देते हैं। जब ये बड़ा होता है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपका कैलेडेरा, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा मुद्दा आपका योग समझ में आ गया होगा, दिस इज अनाक क्राकाटोआ। अनाक क्राकाटोआ, अनाक का मतलब क्या होता है, बेटा, क्राकाटोआ का बच्चा है दोस्तों। ये कहां पर है दोस्तों, ये अभी दिखा देता हूं, लोकेशन के साथ दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इंडोनेशियन अनाक क्राकाटोआ वोल्केनो विटनेस द लॉन्गेस्ट इरप्शन सिंस इट्स एक्सप्लोसिव कोलैप्स इन 2018। एज आई टोल्ड यू, एक्सप्लोसिव कोलैप्स 2018 के अंदर ना ये खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था अपने विस्फोटन पतन के, क्यों, क्योंकि इसका जो बेस था उसके अंदर अंडर वाटर कोलिजन, अंडर वाटर एक्सप्लोजन हुआ एंड इट विल टोटली डिस्ट्रॉय इन 2018। बट आफ्टर 2018 अब इंडोनेशिया का ये जो अनाक क्राकाटोआ वोल्केनो, इसके अंदर सडन आपको इरप्शन देखने को मिला है, एकदम से अभी इरप्शन देखने को मिला है, और इरप्शन अब तक का यहाँ का क्या है दोस्तों, हाईएस्ट, लगभग 500 मीटर ऊपर इसने राख और धुएं को फेंका है, 500 मीटर, आधा किलोमीटर ऊपर तक है ना। अनाक क्राकाटोआ इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ। क्राकाटोआ बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। इस हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्राकाटोआ, पिली और वेसुवियस, दीज आर द थ्री वोल्केनो जो मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। ये लावा जब निकला था ना, इससे मैं बताता हूं, इट्स 1927 के आसपास की बात है,
इससे जब लावा निकला था वो इतना पतला था, इतना आपका फ्लूडिक था, लावा निकला और तुरंत इतने में फैल गया था, पूरे के पूरे आइलैंड को समेट दिया था, लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला था। सो क्राकाटोआ, पिली और वेसुवियस तीनों का नाम जो लिया जाता है, दे आर द मोस्ट डिजास्टर वोल्केनो इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। सो अनाक क्राकाटोआ उसी का बच्चा है, क्राकाटोआ का बच्चा है, है ना। इंग्लिश में क्राकाटोआ बोलते हैं, इज एन आइलैंड इन द कैलेडर ऑफ द सुंडा स्ट्रेट, ये सुंडा स्ट्रेट के अंदर है। आप सर पूछोगे सर सुंडा स्ट्रेट क्या है, सुंडा और मलाका दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है बिकॉज दे कनेक्ट द इंडियन ओशियन टू दी साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी क्या आपको पता ही है दोस्तों, इट इज डिस्प्यूटेड एरिया, अभी सब बताऊंगा। टेंशन मतलब आपकी टेंशन करने के लिए मैं हूं, कम करने के लिए मैं हूं, यहां पे बढ़ाने के लिए नहीं हूं। तो अनाक क्राकाटोआ इंग्लिश भाषा में बोलते हैं चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ को, ठीक है। ये एक आइलैंड है, कहां पर है दोस्तों, ये सुंडा स्ट्रेट के अंदर है। सुंडा स्ट्रेट कहां है मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब। ये वैसे देख लो आप कहां है सर जी, जावा और सुमात्रा के बीच में, तो ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता। मैं आपको बोल दूं सर ये है सुमात्रा और दिस इज जावा, तो इनके बीच में जो जगह है ना, दिस इज नोन एज सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। ये क्या है आपका सुंडा स्ट्रेट। पहली बात तो आती है सर स्ट्रेट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं जल संधि, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, जल संधि। व्हाट इज द स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन जल संधि। होता क्या, देखो जब भी ऐसा हो कि ये आपका क्या हो, इधर भी लैंड मास हो, है ना, और इधर भी लैंड मास हो, और बीच में से एक नैरो वाटर बॉडी हो, दिस इज नैरो वाटर बॉडी। जब भी आपके पास ऐसा हो ना, तो उसी को क्या बोलते हैं गाइस, दैट इज नोन एज द स्ट्रेट। उसको क्या बोलते हैं हम, आपका जल संधि। कितनों को मजा आया इस बात में, स्ट्रेट मतलब जल संधि। तो यहां पर तो आइलैंड है कौन सा दोस्तों आपका, दिस इज द आइलैंड जिसका नाम है सुमात्रा, दिस इज द आइलैंड जावा। जावा और सुमात्रा के बीच में से ये जो पानी जाता है, दिस इज नोन द सुंडा स्ट्रेट। ऐसे ही दोस्तों एक और मलाका स्ट्रेट, आई विल टेल यू, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, अभी बताऊंगा। तो अनाक क्राकाटोआ क्या इंग्लिश शब्द है किसका, चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ। ये एक आइलैंड है, कैलेडेरा है, कहां पर, सुंडा स्ट्रेट के बीच में, जावा और सुमात्रा आइलैंड के बीच में, इंडोनेशिया के एक प्रोविंस जिसका नाम क्या है दोस्तों, लंपुंग। सो अनाक क्राकाटोआ अंग्रेजी भाषा में क्राकाटोआ का बच्चा है। इंडोनेशिया प्रांत लंपुंग में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में स्थित जल डमरू मध्य में एक द्वीप है। बहुत बढ़िया सर जी, आगे पढ़ते हैं। अनाक क्राकाटोआ मिच मीन चाइल्ड ऑफ द क्राकाटोआ इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ फेमस क्राकाटोआ वोल्केनो। क्राकाटोआ वोल्केनो की एक आम है दोस्तों, उसकी एक संतान है, ठीक है। मोन्यूमेंटल इरप्शन इन 1883 ट्रिगर्ड अ पीरियड ऑफ द ग्लोबल कूलिंग। 1883 में क्राकाटोआ से इतना इरप्शन हुआ था कि ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल कूलिंग इसका उल्टा वर्ड क्या है जो आजकल हम बहुत सुनते हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। आप पूछोगे सर ग्लोबल कूलिंग कैसे, तो दोस्तों मैंने आपको इकोनॉमिक्स उसमें पढ़ाया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर में जाके देखना, फिजिकल ज्योग्राफी में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा हाउ एग्जैक्टली जो ये आपका वोल्केनो इसे ग्लोबल कूलिंग होती है। देखो वोल्केनो में गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे धूल के कण निकलते हैं, बहुत सारी डस्ट निकलती है ना, डस्ट पार्टिकल, सहमत हो। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर क्या बना देते हैं, एरोसोल। और ये एरोसोल क्या होता है, ये सूरज से आने वाली लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जब ऊपर से आने वाली रेडिएशन डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा भाई, सूरज का प्रकाश ही नहीं आएगा पृथ्वी तक, और जब सूरज का प्रकाश ही नहीं आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी कैसे, वायुमंडल गर्म होगा कैसे। तो याद रखना जब भी बड़ा वोल्केनो फटता है तो उससे क्या हो जाता है, ग्लोबल कूलिंग हो जाती है इंस्टेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, मेरा एक टॉपिक है उसका नाम है वोल्केनो, जाके देखिए आपको मजा ना आ जाए तो मेरा नाम चौधरी साहब नहीं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ग्लोबल कूलिंग यहां से हो जाएगी 1883 के अंदर, बहुत जबरदस्त फटा था ये। ऑन दिसंबर 29, 1927 अनाक क्राकाटोआ इमर्ज फ्रॉम द कैलेडेरा फॉर्म 1883 बाय एन एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन विच डिस्ट्रॉय आइलैंड ऑफ द क्राकाटोआ। पूरा आइलैंड को इन्होंने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब है कहां पर ये देखो, ध्यान देना, ये जो है ना इधर आपको दिख रहा है, ये आ जाता है आपका, दिस इज मलेशिया, ठीक है, दिस इज मलेशिया, ये मलेशिया है। ये जो है दिस आइलैंड, दिस इज वन, इसको मैं बोलूंगा एक नंबर, इसको बोलूंगा दो नंबर, तीन नंबर, एंड दिस इज द चार नंबर। दिख रहा है आपको, एक नंबर जो है ना, एक नंबर का मतलब क्या है, वैसे एक नंबर का मतलब आप जानते हो चौधरी साहब है, वैसे एक नंबर क्या है यहां पर, एक नंबर जो है यहां पर है दोस्तों सुमात्रा आइलैंड, है ना। दो नंबर पे क्या है सर, मुझे नहीं दिख रहा सर, दो नंबर बता दूं क्या आपको, पक्की बात है बता दूं, दो नंबर पर है दोस्तों बोर्निया आइलैंड, ठीक है, ये बोर्निया है। तीसरे नंबर पे बता दूं क्या है सर, तीसरे पे जी पापा न्यू गुआयना, ठीक है, क्या नाम है, पापा न्यू गुआयना। और चार नंबर ये रहा, ठीक है, चार नंबर पे कौन है, चार नंबर पर है जावा आइलैंड।
ये चार बड़े आइलैंड है, और भी बहुत सारे हैं बट ये चार है, और भी छोटे छोटे पपलू कई सारे हैं इसके अंदर, इन चारों को मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका गाइस, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इन्हीं से मिलकर बनता है। अब देखो यहां पर आपको थोड़ी बड़ी जगह दिखेगी खाली, देखो दिस इज द खाली जगह जिसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, किसके बीच में, एक और चार के बीच में, एक और चार के बीच में जो खाली जगह दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे ही देखो ये है मलेशिया और ये क्या है दोस्तों, दिस इज सुमात्रा। सो मलेशिया और सुमात्रा, या मैं कह सकता हूं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मलाका स्ट्रेट। एक तीर से कई शिकार कर दिए। दीज टू आर द वेरी बिजी सी रूट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जैसे इधर से जाओगे, इधर से निकल के उधर आपका क्या जाता है, साउथ चाइना सी, एंड द साउथ चाइना सी इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यू ऑल नो दैट। चाइना अपना असर्टिव बिहेवियर वहां दिखा रहा है, चाइना कह रहा है भैया भाग जाओ, साउथ चाइना सी में मेरा दबदबा होगा। कैसे होगा भैया तेरा दबदबा जब चौधरी साहब इधर है? तो बेसिकली गाइस जी याद रखना, सुंडा स्टेट एंड मलाका स्टेट दीज आर द वन ऑफ द बिजिएस्ट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रस्तों में से एक है। इंडोनेशिया के आइलैंड के बारे में थोड़ा सा याद रखना, ये किस प्रकार से है, कैसा है, कैसा नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप क्या करोगे दोस्तों, याद रखोगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो कहानी का सार ये है सर जी, अनाक क्राकाटोवा का बच्चा है, उससे अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है 2018 के अंदर, उसका अंडर वाटर एक्सप्लोजन के कारण पूरा वो नष्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद अब ये दोबारा से फटा है। कहां पर स्थित है सर? सुंडा, आपका सुंडा स्टेट में यहां पर स्थित है, अगर आप देखोगे ना तो यहां पर है, दिस इज अनाक क्राकाटोवा, यहां पर आपका स्थित है। ठीक है, आपने देख लिया सुंडा स्टेट में, जब सुंडा स्टेट का नाम आया तो नाम आया सुंडा स्टेट, जलमध्य डमरू है कहां पे, यहां है सर। इसके बाद नाम आता है, जब सुंडा आया तो इसकी बहन भी पढ़ लेते हैं, मलाका स्टेट। मलाका स्टेट किसके बीच में है? मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया और एक नंबर पे कौन है दोस्तों? सुमात्रा। गाइज ओके की रिपोर्ट होनी चाहिए, अब मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो दिस इज अबाउट दिस, आपका ये तो था इसके बारे में, है ना, दिस इज ये भी हो गया। अब मैं आगे चलता हूं दोस्तों, आपका दिस इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेकंड न्यूज है आपकी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP। MFP क्या होता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो जो लोग जंगलों में रहते हैं आज भी, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, क्या है ध्यान से सुनना, जो क्या है मेरी बात सुनो ध्यान से, कान खोल के सुनो, ट्राइबल पॉपुलेशन जो होती है, जो आदिवासी जनसंख्या जिन राज्यों में होती है, वहां पर वो क्या करती है आदिवासी जनसंख्या, यार ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट मतलब जो जंगली वन, जो वन है आपका, जो पाया जाता है जंगल, जो पाया जाता है उससे कुछ चीजें, उसके जो प्रोडक्ट है उनको एक कलेक्ट करते हैं, उनको एक गैदर करते हैं, और ये जो प्रोडक्ट है दे मस्ट बी नॉन वुड टाइप, ऐसा नहीं है लकड़ी नहीं होनी चाहिए, कभी ये पेड़ों को काट काट के ला रहे हैं और हम इनको खरीद रहे हैं, वो नहीं है, नॉन वुड होना चाहिए। तो कोई भी नॉन वुड फॉरेस्ट मटेरियल से कुछ भी अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उसी को बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इट मस्ट बी नॉन वुड। ठीक है, नॉन वुड होना चाहिए एंड इट शुड बी गैदर्ड बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन। जैसे ये पत्ते आपको देखो, ये पान के पत्ते हैं, ये क्या है दोस्तों? पान के पत्ते। सो इनको ये क्या करते हैं ट्राइबल लोग जो है, ये कलेक्ट करते हैं और इनको क्या करते हैं, बेचते हैं। सरकार इनसे खरीदती भी है दोस्तों, और उनको हम क्या बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अभी मैं समझाऊंगा। तो अभी सरकार ने क्या बोला है कि दोस्तों देखो, आप जानते हो COVID-19 के चलते सरकार हर सेक्टर को रिलीफ दे रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को, MSP को, दुनिया भर के अलग अलग इधर उधर की बातें हम वहां पे कर रहे हैं। तो हमने, सरकार ने ये भी डायरेक्टिव जारी कर दिया है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, इनके लिए भी क्या करो, MSP करो, और इनको भी आपको प्रोक्योर करना है। MSP मतलब क्या होता है? मिनिमम सिक्योर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बताया हुआ मैंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है दोस्तों? ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, किसकी? भारत सरकार की। सरकार क्या कहती है कि इतना तो कम से कम प्राइस होगा ही होगा, अगर प्राइस इससे नीचे गिरता है तो उससे नीचे तो सरकार जाने नहीं देगी, सरकार खुद आएगी और उस प्रोडक्ट्स को क्या कर लेगी, आपका खरीद लेगी। ये MSP जो है हर शोइंग सीजन से पहले सरकार क्या करती है दोस्तों, आपका डिक्लेयर करती है। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, टेंडू पत्ते TNDU होते हैं। ठीक है शीतल, राजा, समझ में आ रही बात आपको? ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों। ट्राइफेड आस्क स्टेट नोडल डिपार्टमेंट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज टू इनिशिएट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अवेलेबल फंड्स फ्रॉम द MSP फॉर MFP स्कीम। ट्राइफेड ने राज्य नोडल विभाग और कार्यान्वयन एजेंसियों से MFP यानी कि मिनिमम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत उपलब्ध निधियों से खरीद शुरू करने का उन्होंने बोल दिया, ट्राइफेड ने बोल दिया। भैया ट्राइफेड ने क्या बोल दिया है? ट्राइफेड ने कह दिया यार जाओ और जो MFP है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको खरीदो, किसके ऊपर? MSP पे खरीदो यार, जो तुम्हारे पास पैसा उसे खरीदो, उनको सपोर्ट करो।
अंडर द स्कीम, क्योंकि अब जो है ओपन मार्केट में तो बिक नहीं सकता क्योंकि मार्केट पूरी बंद है। मार्केट क्यों बंद है? कोविड-19 के चक्कर में। अंडर द स्कीम मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू, अभी स्कीम पढ़ लेते हैं सर, ये क्या है, कब इंट्रोड्यूस की गई, क्या किया, क्यों की जाती है। तो मैंने क्या बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP हम क्यों करते हैं, पहले बात करते हैं मिनिमम फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मैंने बता ही दिया, जो आदिवासी लोग जो होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जंगल से जो नॉन वुड प्रोड्यूस है, ठीक है, जो जंगली जंगल से मिलता है, नॉन वुड मतलब लकड़ी का नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज मिलती है तो उसको कलेक्ट करके लाते हैं, सरकार उसको खरीदती है। इसका इसके लिए पर्पस क्या है दोस्तों, अंडर द स्कीम मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग का मैकेनिज्म सेट करना है किसके लिए, माइनस प्रोड्यूस के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य श्रृंखला के विकास माध्यम से लघु वनोपज, वनोपज का मतलब क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वनोपज के विपणन के लिए तंत्र योजना के तहत लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और चुनिंदा MPF के साथ में तय किया जाएगा। मतलब यही है सिंपल दोस्तों, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बोलते हैं लघु वनोपज। आप सोच रहे हो हिंदी बहुत आसान है, हिंदी में पढ़ लो लघु वनोपज बोलते हैं, कैसे चटपटे चटपटे से नाम है ना, लघु वनोपज के विपणन के लिए। विपणन का मतलब क्या होता है दोस्तों विपणन का मतलब होता है, मुझे भी नहीं पता, मार्केटिंग को कहते हैं विपणन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्कीम इज डिजाइंड एज अ सोशल सेफ्टी नेट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द MFP गैदरर बाय प्रोवाइडिंग देम फेयर प्राइस फॉर द MFP दे कलेक्ट्स। यार ये योजना हमने बनाई क्यों थी, हम चाहते हैं कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने वाले जो लोग हैं, बहुत अमीर तो नहीं होंगे ना, जो जंगल में जाके पत्ते तोड़ तोड़ के लाते हैं, अमीर तो नहीं होंगे, बात तो पक्की है। तो अगर अमीर नहीं है ना दोस्तों, तो हमें उनको एक सोशल बेनिफिट, सोशल सेफ्टी नेट तो देना चाहिए सरकार को, उनको आजीविका के लिए, आजीविका उनकी बनी रहे और एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र जो है वो बना के उनको देना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने इस एकत्रित प्रोडक्ट से क्या कर सके, कुछ अपनी आजीविका कमा सके। तो इसीलिए सरकार इस प्रोग्राम के साथ में आई है। द स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन द 8 स्टेट, द स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन द 8 स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरिया एज लिस्टेड इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। From November 2016 द स्कीम इज एप्लीकेबल टू द ऑल स्टेट। देखो नवंबर 2016 से पहले क्या था ना सर, ये जो स्कीम थी सिर्फ आपका 8 राज्यों में लागू थी। 8 राज्यों में कौन कौन से, जो 8 राज्य जिनके पास में ट्राइबल पॉपुलेशन है अंडर शेड्यूल 5 आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बताता है, आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ। शेड्यूल 5 किसके बारे में बताता है, आपका ट्राइबल पॉपुलेशन, इट टॉक्स अबाउट द ट्राइबल पॉपुलेशन। शेड्यूल 6 जो है, इट टॉक्स अबाउट द शेड्यूल कास्ट ST and SC, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है सर, लघु वनोपज क्या होती है, ऑल नॉन टिम्बर, ये याद रखना, नॉन टिम्बर है मतलब लकड़ी नहीं होनी चाहिए। ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द प्लांट ओरिजिन, जो पेड़ पौधों से मिलते हो, जैसे इंक्लूडिंग बैम्बू, ब्रशवुड्स, स्टम्प, केन, टूसर, कोकून, हनी वैक्स, ये सारी सारी चीजें है ना, बांस, ब्रशवुड, स्टम्प, कैन, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू, ये सब है कि तेंदू के पत्ते, औषधियां, पौधे और जड़ी बूटियां, जड़े, कंद आदि ये शामिल है इसके अंदर। अब बात करते हैं सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत बार पढ़ चुके हो, बहुत बार आ भी चुका है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना, इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन, मार्केट मतलब मार्केट में आए, इंटरवीन किया सरकार ने, दैट्स व्हाट इज नोन एज द मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म प्राइस। न्यूनतम समर्थन मूल्य है भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है, बाजार में हस्तक्षेप करने का, किसका, भारत सरकार का। और सरकार बाजार में हस्तक्षेप कब करेगी, जब कीमतों में, वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट वो देखने को मिलेगी, तो सरकार क्या करेगी, बाजार में इंटरवीन करेगी, बाजार में हस्तक्षेप करेगी। और बाजार में हस्तक्षेप कैसे करती है, सरकार बोलती है भैया इससे कम तो कोई भी अपना प्रोडक्ट जो है वो नहीं बेचेगा। और वो जो मिनिमम प्राइस सेट किया जाता है उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेज द क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर, वट एवर मे बी द प्राइस ऑफ फॉर द क्रॉप्स। ये वो प्राइस है, न्यूनतम मूल्य वो मूल्य, सरकार ने मान के चलते हैं गेहूं के लिए आपका न्यूनतम मूल्य डिक्लेयर किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है 1300 क्विंटल, ठीक है, 1300 रुपए पर क्विंटल। तो अब मान के चलते हैं मार्केट का प्राइस कितना है, मार्केट में भाव चल रहा है 1200 रुपए क्विंटल, तो सरकार कहेगी भैया 1200 में नहीं, क्योंकि मैंने MSP 1300 किया हुआ है, तो 1300 रुपए में मैं खरीदूंगी आके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन, सरकार ने बीच के अंदर आके क्या किया, इंटरवीन किया, मार्केट में हस्तक्षेप किया है, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी। होम्योपैथी क्या, ऑल्टरनेटिव आपका मेडिकेशन सिस्टम है। याद करो यार, आप जो हम यूज करते हैं ना, दवाइयां कई टाइप की होती है, आप नॉर्मल टर्म्स में बोलते हो ना, डॉक्टर से जो आप दवाइयां लेते हो, छोटी छोटी गोली, सफेद, लाल, पीली, हरी, उसको बोलते हैं एलोपैथी।
एक होता है होम्योपैथी, जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे होता है आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक में देसी दवाइयां देते हैं हम, वो ठीक है, वो पीस पीस के गोल गोल कई बार वो भैंस के गोबर जैसा बन जाता है, ठीक है। मैंने भी कुछ टाइम तक देसी दवाइयां खाई थी, उनको पानी में गोल गोल के पीना पड़ता था, ट्रस्ट में ऐसा हो जाता था कई बार जैसे भैंस का गोबर हो, सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता कब है पहले तो बता दूं आपको, 10th अप्रैल, 10th अप्रैल को वो बंदा जिस बंदे ने होम्योपैथी सिस्टम डिस्कवर किया था उनके जन्मदिन के अवसर के ऊपर हम इनको मनाते हैं। तो हुआ क्या है ना, होम्योपैथी डे यानी कि 10th अप्रैल में होम्योपैथी डे के उपलक्ष में भारत सरकार या जो आयुष मिनिस्ट्री हमारी, उसने टेली मेडिसिन गाइडलाइन जारी कर दी है फॉर द होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री ने होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए टेलीमेडिसिन दिशा निर्देश जारी कर दिए। टेलीमेडिसिन क्या, आप फोन से मेडिसिन दे दो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप उसे फोन करो, आप उसे कॉन्टेक्ट करो और आपको वहीं पर क्या कर देगा, वो दवाई दे देगा। डिटेल में चलते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अप्रैल 10th टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी, क्या नाम था इसका, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, बहुत तगड़ा नाम है, हैनी मैन, मुझे लगा ही मैन है। तो बंदे कौन थे जिन्होंने की स्थापना की थी आपका, इनकी स्थापना की थी आपका क्रिश्चियन, आपका कैस्टन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। इनका जन्मदिन था 10 दिन उसके रूप 10 अप्रैल को उसके रूप में मनाया जाता है। चलिए, होम्योपैथी और हेमोपैथी दोनों, होम्योपैथी और होम्योपैथी दोनों ही दोनों जो है, दे आर स्यूडो साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। स्यूडो साइंटिफिक क्यों है, ये अर्ध अर्ध वो है, वैज्ञानिक है, मतलब पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं है ये, है ना। अगली बात है, इट्स प्रैक्टिशनर कॉल्ड होम्योपैथ, इसके जो प्रैक्टिशनर है ना उनको होम्योपैथ कहते हैं, होम्योपैथ। उनका मानना है कि एक पदार्थ जो स्वस्थ लोगों में बीमारी के लक्षण का कारण बनता है, वही बीमार लोगों में इसी तरीके के लक्षण को ठीक भी करेगा। भाई एक स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ आदमी के अंदर बीमारी आई तो जो चीज उस बीमारी के का कारण बनता है ना, वही वही चीज बीमार व्यक्ति में उसको क्या करता है, ठीक भी वही करेगा, ठीक है। इट्स प्रैक्टिशनर कॉल्ड होम्योपैथ्स बिलीव्स दैट सब्सटेंस दैट कॉज सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इन द हेल्दी पीपल्स वुड क्योर द सिमिलर सिम्टम्स इन द सिक पीपल, ठीक है। दूसरी बात, दिस डॉक्टर इज कॉल्ड सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटोर, ठीक है, इसको बोलते हैं, जर्मन भाषा का वर्ड है आपका सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटोर, मतलब होता है लाइक क्योर लाइक्स, एक जैसे का इलाज करता है, इलाज की तरह, ठीक है। They believe that the lower the dose, अच्छा इनका मानना क्या पता है, हैवी डोज मत दो भैया, जितनी डोज कम होगी आपका उतनी ही वो क्या होगी दोस्तों, इफेक्टिव होगी, इनका ये मानना होता है। गाइज मेरी एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार सेशन को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज गाइज शेयर द सेशन एंड प्लीज यार लाइक द सेशन, है ना, आप छोटी सी जिम्मेदारी होती है आपकी वो निभाया करो यार, और सेशन को फटाक देसी क्या कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। 296 लाइक्स हैं एंड 441 पीपल्स आर वॉचिंग, है ना, कितनी शर्म की बात है, लाइक कर दिया करो। टेलीमेडिसिन क्या होता है, थोड़ा सा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। टेलीमेडिसिन इट रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग फॉर द पेशेंट्स रिमोटली व्हेन द प्रोवाइडर एंड द पेशेंट्स आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट विद ईच अदर। यार कोविड-19 के चलते में ना अब ये टेलीमेडिसिन को बहुत आपका बढ़ावा मिल रहा है, सरकार भी, भारत सरकार भी इनकी कुछ नई गाइडलाइंस के साथ में आई है। क्यों आई है, क्योंकि आगे जाके पता नहीं क्या ऐसा हो जाए कि यार ये चीजें पॉसिबल ही ना हो, फिजिकल कॉन्टेक्ट, कोरोना के चक्कर में डॉक्टर भी जो है वो भी क्या है दोस्तों, फ्रंट लाइन ऑफ उसके ऊपर आते हैं, फ्रंट लाइन के अंदर आते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसीलिए टेलीमेडिसिन क्या कहता है कि आप दूर बैठो, आप सामने सामने मत जाओ, दूर बैठे रहो, दूर रहो, और दूर से आपका क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। आप वीडियो कॉल कर लो, स्काइप कर लो, व्हाट्सएप कॉल कर लो, उससे आपको क्या कर दिया जाएगा, इलाज कर दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, 10th अप्रैल इस दिन, 10th अप्रैल 10 अप्रैल के दिन जिसको हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मानते हैं, तो 10 अप्रैल के दिन में क्या हुआ है मैं बता देता हूं आपका, सरकार ने टेलीमेडिसिन जारी कर दी होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथी शब्द जो है ये जर्मन भाषा से आया है, होम्योपैथी जो है किसने डिस्कवर की, नाम ये रहा दोस्तों भाई साहब का कैस्टन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। इन्होंने बोला है कि जिस वजह से एक स्वस्थ आदमी में बीमारी के लक्षण दिखते हैं ना, उसी वजह से एक बीमार आदमी को आप ठीक भी कर सकते हो, ठीक है, डोज कम से कम रखी जाती इसमें माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं टेलीमेडिसिन बता दिया। ऑपरेशन शील्ड, केजरीवाल भाई साहब जी, ठीक है, तो आप जानते हो केजरीवाल सर को खांसी के बादशाह हुआ करते थे कभी, आज इनकी खांसी जो है वो एकदम लुप्त हो गई है, मेरे को भी बहुत खांसी रहती है, तो मैं केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे बताओ क्या इलाज है उसका।
शील्ड, ऑपरेशन शील्ड इन्होंने जारी किया कोरोना से लड़ने के लिए। इस शील्ड के अंदर ना हर एक उसका वर्ड का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोदी सरकार करती है ऐसे, एक्रीनॉम्स बनाती है, लेकिन अब की बार केजरीवाल सरकार ने भी ऐसा कर दिया, नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हुए इन्होंने भी क्या कर दिया, ऑपरेशन शील्ड जो है इसके लिए एक एक्रीनॉम्स जो है बना दिया। चलो देख लेते हैं क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट विल कैरी आउट द ऑपरेशन शील्ड अगेंस्ट द कोविड-19 एट द 21 लोकेशन आइडेंटिफाइड द कंटेनमेंट जोन इन द कैपिटल। राजधानी में कंटेनमेंट जोन के रूप में पहचाने जाने वाले 21 स्थानों पर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ शील्ड ऑपरेशन जारी कर दिया है। बहुत बढ़िया सर, डिटेल में चलते हैं। ऑपरेशन शील्ड इसके अंदर क्या होगा, विच इंक्लूड सीलिंग आइडेंटिफाइंग एंड क्वारंटाइन पीपल इन द कंटेनमेंट जोन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द एसेंशियल आइटम्स एंड डोर टू डोर चेकिंग ऑफ द पीपल इन दोज एरिया विल बी अंडरटेकन बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ऑपरेशन शील्ड में जिसमें सम्मिलित क्षेत्रों के अंदर जो इसके अंदर आते हैं, जो आपके आपके सील जो आपके कंटेनमेंट जोन है उनको सील करना, पहचानना और संगरोध करना शामिल है। उन क्षेत्रों में लोगों की आवश्यक वस्तुओं को डोर टू डोर जाकर डिलीवर करना, चेक करना, है ना, लोगों को एक, ये दिल्ली सरकार इसके अंदर काम करेगी। फुल फॉर्म देख लें, ऑपरेशन सील्ड, एस का मतलब है सीलिंग करना, सीलिंग ऑफ द एरिया आफ्टर ज्योग्राफिकल मार्किंग, ज्योग्राफिकली मार्क कर दो, उसके बाद जियो फेंसिंग कर दो और उसको क्या कर दो, आप सील कर दो उस एरिया को। बहुत बढ़िया। एच का मतलब है होम क्वारंटाइन, घर में रहो और एकांत में पटक दो उसको। आई का मतलब है आइसोलेशन फॉर ट्रेसिंग ऑफ द पीपल्स हु हैज बीन फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्टैक्ट, आइसोलेट करो पहले बंदे को और उसके बाद में जिस बंदे से वो पहले और दूसरे टाइम पे संपर्क में आया होगा दोस्तों, उन कॉन्टैक्ट्स को क्या करो, पहचानो। मेरे को कोरोना था लेकिन कोरोना से पहले मैं किस किस से मिला हूं, और फिर वो जो बंदे जो मेरे से कॉन्टैक्ट में आए थे वो किस किस से मिले हैं, तो जो मैं इससे मिला हूं ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट, और जो वो मिले हैं उससे वो क्या होगा दोस्तों, आपको सेकंड कॉन्टैक्ट। ऐसे लोगों की पहचान करना, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, फिर उनको आइसोलेट करना। ई मतलब क्या है, एसेंशियल सप्लाई, जितनी भी आवश्यक सप्लाई है दोस्तों, बिजली, पानी, रोटी, मकान, कपड़ा, ये सबके पास पहुंच जानी चाहिए, डोर टू डोर जाके डिलीवरी करनी है ना। एल का मतलब क्या, लोकल सैनिटाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन फॉर दोज एरियाज। लोकल सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो जो भी एरिया है उनको सैनिटाइज करना, हमें डिसइंफेक्शन करना उनका, मतलब उनको साफ सुथरा कर देना एकदम चकाचक बढ़िया। देखो दोस्तों यार, अभी आपका क्या है दोस्तों, कोविड-19 है, उसके बाद में चलो ठीक है लॉकडाउन हटेगा तो बहुत समय तक, लगभग इसका प्रकोप जो है ना वो 2 से 3 महीने तो बहुत ज्यादा, लगभग 1 साल जो है लोग घरों से निकलने के लिए डरेंगे। सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन जो, उसके बारे में बहुत आपकी चिंता रहेगी, है ना। तो आप देख सकते हो एक नई इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो करने वाली कुछ टाइम पर, दैट इज द सैनिटाइजेशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज। सैनिटाइजेशन करेंगे, वो करेंगे आपकी गाड़ी का सैनिटाइजेशन कराओ, आपके घर का सैनिटाइजेशन कराओ, आपका पर्सनल सैनिटाइजेशन कराओ। सो हर बात पे आप वो सैनिटाइजेशन जो ना आपके साथ में वो करने वाले हैं, सैनिटाइजेशन खेलने वाले हैं। जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन हटेगा, मैं बता देता हूँ, नई इंडस्ट्री बाहर आएगी दोस्तों, दैट इज द सैनिटाइजेशन इंडस्ट्रीज। क्योंकि हर आदमी डरेगा यार, है ना, जिसके पास पैसा स्पेंड करने के लिए पैसा खर्च करेगा, और पैसा क्यों खर्च करेगा, बिकॉज उसको डर है यार कि मेरे को ये चीज हो ना जाए। तो सैनिटाइजेशन जो है एक नई इंडस्ट्री यहाँ पर क्या करनी वॉल होने वाली है, समझ में आया। ऑपरेशन शील्ड क्या है दोस्तों, केजरीवाल साहब ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, पूरी बता दी मैंने। डी मतलब डोर टू डोर चेक करेंगे और डोर टू डोर जाके डिलीवरी देनी है। इट वॉज ऑल्सो ऑर्डर, इसने ये भी बोला कि जिन बंदों के पास में आपका आउटडोर पास है, जो बाहर जा रहे हैं और उनके पास पास है उस चीज का, वो क्या करेंगे यार, वो अपना मास्क यूज करेंगे, बाहर निकलोगे आप मास्क लेके जाओगे, ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन में बाकी सारी चीजों को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, कुछ चीजें हो नहीं रही, बट कुछ एसेंशियल सप्लाई अभी भी चीजें जा रही है ना भाई, रोटी, कपड़ा, मकान, गैस सिलेंडर, बिजली, पानी, ये सब चीजें अभी भी क्या चल रही है, इनका मूवमेंट चल रहा है। साथ ही अगर मैं बताऊं दोस्तों, जो मराइन इंडस्ट्री है हमारी, मराइन इंडस्ट्री को टोटली लॉकडाउन से क्या रखा गया दोस्तों, बाहर रखा गया है। सेंटर हैज एक्सेम्प्टेड द ऑपरेशन ऑफ फिशिंग एंड मराइन एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हार्वेस्टिंग, सेल, मार्केटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द परव्यू ऑफ द ऑनगोइंग नेशन वाइड लॉकडाउन। अभी जो पूरे देश के अंदर जो लॉकडाउन हो रखा है ना, उन चीजों से इसको क्या रखा गया दोस्तों, बाहर रखा गया। किसको? एक्वाकल्चर, मराइन इंडस्ट्रीज को। डिटेल में चलते हैं। द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी इन हिज कैपेसिटी एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। निर्णय केंद्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित सरकारी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता के अंदर लिया। किसने लिया ये डिसीजन दोस्तों? केंद्रीय गृह सचिव ने ये अपनी क्षमता के अंदर ये लिया है। ऑपरेशन ऑफ फिशिंग, मराइन और एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है पता आपको? किस मराइन इंडस्ट्रीज में बोलता हूं, एक्वाकल्चर में तो क्या क्या आता है दोस्तों? पहला आता है फीडिंग एंड मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, सेल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, हैचरीज, फीड प्लांट्स, कमर्शियल एक्वेरिया, मूवमेंट ऑफ द फिश एंड श्राइम्स एंड फिश प्रोड्यूस फिश सीड्स, फीड एंड वर्कर्स,
फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वर एक्सटेंडेड फ्रॉम द लॉकडाउन। ये सारी की सारी चीजें जो है दोस्तों एक हिंदी में यहां से पढ़ लो, सारी की सारी चीजों को लॉकडाउन से क्या रखा है, बाहर रखा है। इन शॉर्ट टू इन पॉइंट अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, मराइन इंडस्ट्री एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को सरकार ने इससे क्या रखा है, लॉकडाउन से बाहर रखा है। ठीक है, यूएसए चाइना एंड डब्ल्यूटीओ, देखो यूएसए और चाइना की आपस में सींग फंसे रहते हैं सबको पता है, पर यूएसए कुछ चाइना को कहता है, चाइना उल्टा कुछ यूएसए को कहता है। लेकिन आजकल आप देखने को मिल रहे होंगे ना कोविड 19 के चलते यूएसए तो कुछ तगड़ा ही हाथ धो के पीछे पड़ गया, किसके दोस्तों, चाइना के। पहली बात तो उसका मानना है कि वायरस चाइना से आया है तो चाइना जिम्मेदार है इसके लिए, पहली जो बड़ी चीज है। दूसरा यूएसए इस वजह से भी नाराज है यार कि चाइना जो है, और देखो डोनाल्ड ट्रंप अभी दोबारा इलेक्शन आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप जो चुने गए थे वो इन्हीं चीजों पे चुने गए थे कि अमेरिकन लोगों का स्टैंडर्ड वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इसके चलते उन्होंने कॉन्टिन्यूसली वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में लोअर हेड के ऊपर है ना सिंह फंसाए हुए हैं कि आओ, और अब तो इलेक्शन आने वाला है तो उसको यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जवाब भी देना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है दोस्तों, उन्होंने चाइना के ऊपर उंगली फिर से उठानी स्टार्ट कर दी। और लेटेस्ट उंगली पता है क्या उठाई है, कह रहे जो चाइना है ना ये डेवलप्ड कंट्री, अपने आप को डेवलपिंग कंट्री मानता है, दुनिया की जीडीपी की टर्म्स के अंदर दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है दोस्तों क्या चाइना, अगर बात करूं दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम भी इनका अच्छा है ना, बहुत तगड़ी चीज है। और अगर मैं बात करूं वैसे तो दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और सब चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन स्टिल इसको क्या कंसिडर किया जाता है, डेवलपिंग। डब्ल्यूटीओ के अंदर चाइना को डेवलपिंग कंसिडर किया जाता है कि विकासशील देश है, भारत इज ऑल्सो डेवलपिंग विकासशील, लेकिन भारत और चाइना जो है बहुत अंतर है दोस्तों, चाइना हमसे कहीं आगे है। ठीक है, यूएसए को इस बात से खुंदक आ रही है, यूएसए कह रहा है कि यार ये भी अगर डेवलपिंग है ना, चाइना भी अगर डेवलपिंग है तो मैं भी, मेरे को भी डेवलपिंग कंसिडर करवाना है। ठीक है, ये बच्चों वाली होड़ लगी हुई है। और अब डब्ल्यूटीओ बीच में है, डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि भैया आज तो तुम चाइना को बोल रहे हो, कल को तुम बोलोगे जो और भी अच्छे देश हैं जिनकी जो आपकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है तुम बोलोगे उनको भी हटाओ, तो आज चलो ठीक है तुम्हारे कहने पे हम चाइना को हटा देंगे, लेकिन कल को तुम फिर से बोलोगे कि इसी बंदे, कल को बोलोगे इंडिया को भी हटाओ यहां से, इसको भी हटाओ, उनको भी हटाओ, तो ये चीज पे ठीक नहीं होगी। तो डब्ल्यूटीओ ने बोला है कि डब्ल्यूटीओ एक मल्टीलेटरल बॉडी, इंपार्शियली वो अपने आप डिसीजन ले सकती है, अपने आप अपनी क्षमता के अंदर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो डोनाल्ड ट्रंप हैज अक्यूज्ड द चाइना ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द यूएस एंड द वर्ल्ड थ्रू दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ के माध्यम से यूएस ने एलिगेशन लगाया चाइना के ऊपर कि चाइना ने फायदा उठाया है दुनिया का और यूएस का। उन्होंने बोला है कि अगर बीजिंग जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है तो यूएस भी डेवलपिंग है, यूएस को भी डेवलपिंग बोलो। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, अब बात आती है डब्ल्यूटीओ कैसे क्लासीफाई करता है, भाई डब्ल्यूटीओ कैसे बताता है ये डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये डेवलप्ड है। अब डब्ल्यूटीओ कैसे बताता है, तो बता दूं देयर इज नो रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है, डब्ल्यूटीओ ऐसा कुछ करता ही नहीं है, डब्ल्यूटीओ किसी भी देश को डेवलपिंग या डेवलप्ड नहीं कहता है। नेशन, जो भी मेंबर नेशन है वो अपने आप को खुद बोलता है कि मैं डेवलप्ड हूं, डेवलपिंग हूं या अंडर डेवलप्ड हूं। लेकिन इस चीज को ना चैलेंज किया जा सकता है डब्ल्यूटीओ की कमेटी के सामने, इसको क्या किया जा सकता है दोस्तों, चैलेंज किया जा सकता है। ओवर टू थर्ड ऑफ द डब्ल्यूटीओ, 164 मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ में, कंट्रीज आर डेवलपिंग, ओवर टू थर्ड ऑफ द डब्ल्यूटीओ 164 मेंबर कंट्रीज, तो 164 देश जो है लगभग वो क्या है दोस्तों, दो तिहाई हो गए, ये क्या है आपका डेवलपिंग है डब्ल्यूटीओ के अंदर। ओवर टू थर्ड ऑफ डब्ल्यूटीओ मेंबर 164 मेंबर्स आर डेवलपिंग। एडवांटेज क्या है सर, डेवलपिंग तो हो गया लेकिन क्या फायदे हैं एडवांटेज, देखो डेवलप्ड जो देश होते हैं ना, डेवलप्ड नेशन जो होते हैं उनको जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं जो इस मल्टीलेटरल फोरम ले जाते हैं उनको इंप्लीमेंट करने होते हैं और टाइम पीरियड बहुत कम दिया जाता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा समय दिया जाता है कि ठीक है लंबे टाइम तक आप क्या कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, पहली थी। दूसरी बात, एमएफएन का नेशन, एमएफएन का स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, और थोड़ी बहुत अदर ट्रेड रिलैक्सेशन उसके अंदर में दी जाती है। सम डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स गिव डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल बेनिफिट्स एंड राइट्स विच आर रेफर्ड एज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन। कुछ डब्ल्यूटीओ समझौते विकासशील देशों को विशेष लाभ और अधिकार देते हैं जिन्हें विशेष और अंतर उपचार प्रावधानों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्या क्या जाता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये बात याद रखना, दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं उन्हें विशेष और अंतर उपचार प्रावधान के नाम से उनको जाना जाता है। These provision includes a longer time period for the implementation agreements and commitment or measure to increase trading opportunities for developing countries. इनके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, इन प्रावधानों में विकासशील देशों के लिए व्यापार के अवसरों को बढ़ाने,
के लिए समझौते और प्रतिबद्धता को लागू करने या उपायों के लिए लंबी अवधि शामिल है। कि अगर कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्री। इसेंशियली अंडर दीज एग्रीमेंट डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रीट डेवलपिंग कंट्रीज मोर फेवरेबल देन एनी और WTO मेंबर। भैया अनिवार्य रूप से इन समझौतों के तहत विकसित देश विकासशील देशों को अन्य विश्व व्यापार संगठन सदस्यों की तुलना में अधिक अनुकूल व्यवहार कर सकता है। जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो WTO रिजीम के तहत जो डेवलपिंग कंट्री है उनको मोस्ट फेवरेबल उनको ज्यादा फायदा दे सकता है। हाउएवर अ कंट्री दैट अनाउंस इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग कंट्री डज नॉट ऑटोमेटिकली बेनिफिट फ्रॉम दिस यूनिलैटरल प्रेफरेंस स्कीम। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बंदा है उसने बोल रखा मैं डेवलपिंग हूं अपने आप में उसको सारे फायदे मिल जाएंगे। नहीं, जो एग्रीमेंट पार्टी है जो साथ में नेशन उसके साथ ट्रेड कर रहा है उसको बेनिफिट उसको पास करने पड़ेंगे। नहीं आई बात समझ में? सिंपल बात है, चाइना के और यूएसए के सीन फंस गए हैं ऐसे। चाइना यूएसए कह रहा है कि यार ये चाइना जो है ना जब से इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया 2001 में इन्होंने ज्वाइन किया तब से इनकी इकोनॉमी जो है ना वो एक रॉकेट शिप की तरह चल रही है। रॉकेट मतलब गति से बात है कि गति बहुत तेज है, शिप का मतलब इकोनॉमी बहुत जायंट है, बड़ी भी है और बहुत तेज गति से आपका चल रही है, इसलिए बोला रॉकेट शिप इकोनॉमी हो गई है बहुत। और वास्तव में देखो भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको चाइना की इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे बड़े मेजर बदलाव हुए हैं, बहुत चीजें अच्छी हुई हैं जिनका चाइना को बहुत अधिक क्या हुआ है दोस्तों, फायदा हुआ है। अब यूएस बोल रहा है कि भैया चाइना को भी अगर तुम WTO की रिजीम के तहत अगर डेवलपिंग नेशन रख रहे हो ना तो मेरे को भी डेवलपिंग नेशन में रखो, मैं भी डेवलपिंग हूं मेरे को भी डेवलपिंग में। अब बीजिंग को तुम रख रहे हो तो मुझे भी रखो, सीधी सी बात है, ठीक है भाई उसको रख रहे हो मेरे को भी रखो, नहीं तो मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। उसने अली किया है किसको? WTO को। अब WTO की बात ठीक है तो हम बात करेंगे पहले ये डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड रखते कैसे हैं दोस्तों। WTO कैसे डिसाइड करता है कंट्री डेवलपिंग है, ये कंट्री डेवलप्ड है और ये अंडर डेवलप्ड है ना, विकसित है विकासशील है और अविकसित है। तो WTO नहीं करता भाई, अपने आप में जो मेंबर नेशन होता है ना जब ज्वाइन करता है ना तो पहले ही वो बोल देता है, खुद डिक्लेयर करता है अच्छा मैं तो ये देश हूं, मैं तो ऐसा देश हूं, तो खुद वो देश पर्टिकुलर जो देश है वो डिक्लेयर करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जिसने डिक्लेयर कर दिया वो ही रहेगा, नहीं इसको क्या किया जा सकता है दोस्तों, बदला जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो फायदे क्या क्या मैंने बता दिया। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है ना तो डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा सा बड़ा टाइम दिया जाता है, ज्यादा टाइम दिया जाता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, मेजर को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। Essentially under these agreement, developing countries may treat the developing countries और developed country जो है विकसित देश जो है वो developing country को थोड़ा सा favorable treat कर सकता है, favorite treat कर सकता है, उनको ज्यादा benefit दे सकता है। लेकिन WTO का regime क्या कहता है? WTO कहता है नाना भाई पूरा दुनिया जो है सारा एक इक्वल होना चाहिए, आप जितना अच्छा से ट्रीटमेंट पाकिस्तान को दे रहे हो उतना ही अच्छा चाइना को देना पड़ेगा, उतना ही अच्छा भारत को किसको देना पड़ेगा, अफगानिस्तान को, क्योंकि सारे के सारे वो क्या WTO मेंबर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि इम्पार्शियल ट्रेड को प्रमोट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन अगर कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है तो दैट कैन फॉलो द MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, जैसे कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री के साथ में एग्रीमेंट करके उसको बेनिफिट पास कर सकते हैं। बेनिफिट किसके? ट्रेड एंड टैरिफ के। भाई ट्रेड एंड टैरिफ मतलब ड्यूटी कम रखेगा, ज्यादा उस देश से मंगाए तो ये सारे फायदे उसको दे सकता है। हाउएवर अ कंट्री दैट अनाउंस इटसेल्फ एज अ डेवलपिंग डज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आप से उसको फायदे मिलेंगे, नहीं। अब चाइना की बात करें तो चाइना जो है दोस्तों 2001 में इसने ज्वाइन किया था एज अ 143rd मेंबर। जब से इन्होंने ज्वाइन किया बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है दोस्तों। क्या चाइना बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द GDP, द फर्स्ट लार्जेस्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर, पहला बड़ा व्यापारी आपका निर्यातक, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फोर्थ लार्जेस्ट कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्टर, चौथा दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्य सेवा निर्यातक, और अगर बात करूं तो फर्स्ट डेस्टिनेशन फॉर इनवर्ड FDI अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। और दोस्तों ये तो खैर गलत बात है क्योंकि वन ऑफ दी फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट तो क्या है इंडिया के अंदर, अच्छा ये FDI की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो FDI भी कहां जाती है, FDI भी काफी हद तक कहां पर जाती है, चाइना के अंदर। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन क्या फिर भी चाइना को हम हटा सकते हैं? नहीं। आज अगर आपने चाइना को हटा लिया कल को यूएसए किसी दूसरे का नाम ले देगा, भैया उसको भी कर दो, उसको भी हटा दो, तो ये चीज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तो इसलिए हमने नहीं किया, मना कर दिया उसने। अब बात करते हैं आपका बैंकअश्योरेंस। बैंकअश्योरेंस क्या है दोस्तों? बैंकअश्योरेंस की बात करें दो वर्ड मिल रहे दिख रहे हैं आपको, एक तो बैंक और क्या दिख रहा है दूसरा इंश्योरेंस, मिला के ही बनाया दोस्तों क्या बैंकअश्योरेंस। बैंकअश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बैंक के थ्रू क्या बेच सकती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है बेच सकती है, बेचते हैं ना आपको फोन करते हैं इंश्योरेंस ले लो, लाइफ जीवन पॉलिसी कहते हैं। अब पहली बात उनकी पता क्या होती है कि कल को सर आप नहीं रहे, अरे क्यों नहीं रहेंगे भाई, ठीक है मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, फोन आता है सर कल को मान लीजिए, वैसे भगवान ना करे ऐसा हो, अरे तुम तो ऐसा हो
तभी तो बेचने आए। अरे भगवान ना करे सर, कल को आप ना रहें तो क्या करेंगे? अरे जब हम रहेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या फिर? ठीक है, फिर कुछ नहीं करेंगे। और तुम ऐसी बात ही क्यों सोच रहे हो, हम नहीं रहेंगे। तो बैंक जो है वो इंश्योरेंस बेचती है, जब बैंक इंश्योरेंस कंपनियां बैंक के थ्रू इंश्योरेंस बेचती है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, तो एक तो लोगों को भरोसा रहता है, जब बैंक के थ्रू आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो लोगों को थोड़ा भरोसा हो जाता है, इसीलिए ये रूट अपनाया जाता है। अब बैंक अश्योरेंस क्या है? बैंक अश्योरेंस तो बैंक अश्योरेंस समझ में आ गया, जब भी इंश्योरेंस कंपनी बैंक के माध्यम से अपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है, दैट इज बैंक अश्योरेंस। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? रेगुलेटर IRDA हैज अलाउड द फोर बैंक्स इमर्जिंग फ्रॉम द रीसेंट मेगा बैंक मर्जर एक्सरसाइज टू कंटिन्यू फॉर अ ईयर लॉन्ग एग्जिस्टिंग बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट ऑफ द लेंडर्स दैट अमलगमेटेड विद देम। बीमा नियामक IRDAI ने चार बैंकों को हाल ही में मेगा बैंक विलय की कयावत में उभरने की अनुमति दी है, जो कि उनके साथ आपका सम्मिलित ऋणदाताओं के मौजूदा बैंक का श्योरिटी समझौते के साथ एक वर्ष तक जारी रहेगा। चलो कोई बात नहीं, एक साल तक ये चीजें और चलती रहेंगी। ठीक है, डिटेल में चलते हैं। बैंक का इंश्योरेंस का मतलब क्या है? सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू द बैंक, बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। बैंक एंड द इंश्योरेंस कंपनीज कम अप विद द पार्टनरशिप विद इन द बैंक सेल्स एंड टाइड्स द इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द क्लाइंट। भाई ये क्या करता है, बैंक और बीमा कंपनी एक साझेदारी में आ जाते हैं, और उसमें बैंक अपने ग्राहकों को ये बीमा कंपनियों के उत्पाद चिपकाने लगता है कि ले लो भैया, ले लो 5 रुपए किलो इंश्योरेंस, ले लो 5 किलो रुपए 5 रुपए किलो लाइफ इंश्योरेंस ले लो। तो बैंक फिर चिपकाने लगता है, एग्रीमेंट होता है बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, और बैंक फिर ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये क्या करने लगता है, आपका सेल करने लगता है। बहुत बढ़िया। ऑन द अदर हैंड द बैंक अर्न्स फी अमाउंट नॉन इंटरेस्ट इनकम। बैंक को क्या मिलता है? फीस मिलती है भाई, फीस मिलती है, फ्रॉम विच द इंश्योरेंस कंपनीज अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट इनकम, वेयर एज ऑन द अदर हैंड द इंश्योरेंस फ्रॉम द फर्म इंक्रीज इट्स मार्केट रीच एंड द कस्टमर मार्केट। इंश्योरेंस फर्म को फायदा क्या है दोस्तों? उनको मार्केट रीच मिलती है, लोगों के बीच में जा पाते हैं। बैंक को क्या फायदा है? सर बैंक को फायदा यह है, बैंक को फीस मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डेटेड August 3, 2000 लेड द बैंक अश्योरेंस क्लियरेंस। किससे रेगुलेट किया जाता है ये रहा? As per the banking regulation, a bank can only market three life, general and health insurance. वैसे तीन ही इंश्योरेंस बेचता है बैंक। कौन कौन से? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, तीन ही बेचता है। नमक बात समझ में आई? बैंक अश्योरेंस में हमने क्या किया, जो अभी चार बैंकों का मेगा मर्जर हुआ है तो उनके लिए अभी बोला गया है कि ठीक है भैया तुम अपना कर सकते हो, काम धंधा अपना चला सकते हो, तुम इंश्योरेंस के प्रोडक्ट अभी भी बेच सकते हो। कब तक? एक साल तक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहां पर बात हुई है चाइना यूएसए और WTO की फाइट के बारे में। हमने देखा कैसे किस कंट्री को डेवलपिंग और अंडर डेवलप बोला जाता है, कैसे यूएसए ने चाइना पे इल्जाम लगाया और WTO ने उसके बारे में क्या कहा, पूरी बात देखी हमने। मराइन लॉकडाउन को आपका मराइन इंडस्ट्री को लॉकडाउन से बाहर रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, केजरीवाल साहब ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया, बहुत अच्छी बात है ये भी। होम्योपैथी डे के ऊपर टेलीमेडिसिन को अप्रूव कर दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ट्राइफेड ने बोल दिया है दोस्तों कि जो माइनस फोरस प्रोड्यूस है उनको MSP जो आपके पास उपलब्ध है उनसे क्या करो, खरीदारी स्टार्ट करो। और सबसे पहली बात जो हमने देखी, आका क्राकट हुआ, इनका क्राकट हुआ, तो ये सारी बात जो है दोस्तों आज हमने फटाफट से डिस्कस कर ली है आपके साथ। ठीक है, तो आई होप ये यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। तो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट, अगले पे चलू भाई? चलो अगले पे मूव करता हूँ। आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, जो बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो अनअकैडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं या www.unacademy.com पे लॉगिन करो। उसके बाद आएगा एक ऑप्शन, उसमें प्लस प्लस लिखना, चूज योर गोल, गोल में जाके क्या चूज करना, यूपीएससी, यूपीएससी चूज कर लिया। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में आपको क्या लेना है दोस्तों, आपको 24 मंथ का लेना है। क्यों? क्योंकि 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है ना ये कितने में मिल रहा है आपको दोस्तों, वैसे इसका प्राइस है 92,000 रुपए मिल रहा है, तो अच्छी बात ले लेते हैं। और आप जब Summit 10, इसके बाद जब कंटिन्यू करोगे, रेफरल कोड में आएगा Summit 10, इसको अप्लाई कर दो। ये कोड जो है आप जब कोड अप्लाई हो जाएगा तो यू विल सी दिस कोर्स विल गेट यू 43,200 इतने में मिल जाएगा। सबसे खूबसूरत बात क्या है ना Summit 10 यूज करने की, देखो डिस्काउंट तो मिलता रहेगा, कोई और कोड कर लो यूज तब भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप Summit 10 यूज करते हो तो आपका सिलेक्शन जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? मेरी है। ठीक है, आई विल डू वट एवर इट रिक्वायर्स, वट एवर इट टेक्स, मैं उसके लिए काम करूंगा 110%। सो गाइज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर रहे हो तो यूज दिस कोड Summit 10, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गाइड यू पर्सनली। गाइड करने के लिए कोई परेशानी नहीं है, बट आई वॉन्ट टू गाइड यू पर्सनली, तो उसके लिए आपको ये कोड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दी प्लस कोर्सेस। ठीक है, चलिए, ऑन दिस नॉट आई एम एंडिंग दिस टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।
जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए। अच्छा, हो सकता है दोस्तों आज 12:30 से 1:30 बजे तक हमारी एक क्लास और होगी करंट अफेयर की एज प्रोग्राम के तहत, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।